Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Sneha. आज मैं यहाँ पे करेले की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. जिन लोगों को करेला नहीं पसंद आता घर में, फैमिली मेंबर में बच्चों को या बड़े बूढ़े जिनको भी करेला नहीं पसंद आता, अगर इस तरीके से बनाएंगे तो करेला उन सबके फेवरेट हो जाएंगे. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ले लेंगे करेला, और प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. तो यहाँ ले लिया है मैंने करेले को, अच्छे से वॉश कर लिया, और आपको उसके सारे बीज निकाल लेना है, बीज से कट करके और बीज निकाल के पूरा क्लीन कर लेना है और फाइन चॉप करना है. फाइन चॉप लाइक आपको बहुत पतला पतला आपको करेले को काट लेना है, बहुत मोटा नहीं काटना है, करेले को बहुत पतला काटना है, उसी से आपके करेले में टेस्ट आएगा. तो फिर उसी के साथ मैंने यहाँ पे अनियन ले लिया. अनियन आपको करेले से हमेशा ये याद रखिएगा कि करेले से अनियन की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए. अगर आपके करेले थोड़े हैं तो करेले के लिए इसमें 3 से 4 आपको अनियन काटना है, क्योंकि उसी से करेले की सब्जी में टेस्ट आता है. तो यहाँ मैंने ले लिए लोहे की कढ़ाई. लोहे की कढ़ाई में ही करेला बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्ट आएगा. और मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करना है, कोई दूसरा ऑयल आपको नहीं यूज़ करना है, क्योंकि करेले के लिए मस्टर्ड ऑयल बेस्ट है. यहाँ मैंने ले लिए हींग, MTR की हींग मैं यूज़ करी, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो यूज़ कर सकते हो. फिर उसमें मैं डालूंगी जो मैंने फाइन चॉप किया अनियन काटा था, उसको वो डालेंगे और लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक सौते करेंगे, चला लेंगे. मतलब जब तक वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, थोड़े से भूरे भूरे कलर के, ब्राउन कलर के नहीं हो जाते, उसको तब तक चलाएंगे. फिर उसमें मैं डालूंगी जो मैंने करेला फाइन चॉप किया था, उसको फिर उसी के थोड़ी देर बाद जब उसमें लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे आपके अनियन, उसके तुरंत बाद आपको करेला डालना है. करेले को भी तब तक सौते करेंगे जब तक वो लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएंगे. करेला ऐड करने के बाद हम लोग उसको भी थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक सौते करेंगे. फिर इसमें मैं 1 by 1 करके मसाले ऐड करने वाली हूँ. तो मसाले बहुत ज़्यादा आपको मसाले भी फालतू के या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं ऐड करने हैं. इसमें सबसे पहले मैं ले लूँगी टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी 1 चम्मच, और आप अपने अकॉर्डिंग मतलब डाल लीजिएगा जितना आपका करेले की क्वान्टिटी हो. फिर इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी गर्म मसाला. फिर 1 छोटा सा चम्मच मैं आमचूर पाउडर डालूंगी, क्योंकि आमचूर पाउडर का सबसे बड़ा रोल इसमें होता है, और आमचूर पाउडर डालूंगी 1 चम्मच. और फिर मैं लास्ट में डालूंगी सॉल्ट. सॉल्ट डालने के बाद इसको हम लोग चला लेंगे, सौते कर लेंगे. सौते करने के तक इसको तब तक चलाएंगे जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाते हैं. आपका करेला पूरा गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, मतलब ग्रीन ग्रीन नहीं होना चाहिए, आपका पकना चाहिए. आपको समझ में आना चाहिए कि आपका करेला पक रहा है. इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग कवर करके ढक देंगे करेले को 5-10 मिनट के लिए, और 5-5 मिनट पर आपको इसको चलाते रहना है. ऐसा नहीं है कि आपने इसको छोड़ दिया है, आपने ढक के रख दिया है तो आप उसको चला नहीं रहे हो. सौते करने आपको बार बार आना पड़ेगा, उसको चलाना होगा ताकि आपके करेले लग नहीं जाए, मतलब जल नहीं जाए. तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, आपको करेले को बीच बीच में हर 5 मिनट पे थोड़ी थोड़ी देर पे आपको उसको चलाते रहना है, और आपको देखना है कि आपके करेले बने कि नहीं बने. मेरे करेले यहाँ पे इस तरीके से बन गए थे, लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए थे, पूरा अच्छे तरीके से पक गए थे और टेस्ट वाइज बहुत अच्छे लग रहे थे. फिर मैंने इसमें हरा धनिया चॉप करके डाला. मुझे धनिया का जो मतलब अच्छा लगता है उसके ऊपर मैंने गार्निशिंग के लिए डाला था, और काफ़ी टेस्ट वाइज बहुत अच्छा लग रहा था. ये आप देख रहे हो कि मेरे यहाँ पे करेले पूरे तरीके से बन गए, और इसको दाल चावल के साथ भी खा सकते हो, पराठे के साथ भी खा सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्ट लगता है. वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और एक ज़रूर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. ओके, आप